ये ना आंटी सारा नाद मेरे कृष्णा गे हां जी ते तोहे इथे वो खोले दा है हां सेंटर आंगनवाड़ी सेंटर है ते सामने का टेर लगे दा हां ते सफाई दे आगे थानू लब्भा दी है सारी है पर सफाई दे है के नहीं है सारा मोहल्ला इथे गंदगी सुखदा ते ए सफाई होनी चाहिए है ते बाकी दो नंबर वार्ड च रहने अही क्या तुम म्युनिसिपैलिटी वाले कदे आख्या अही ਮੀਂਹ ਕੀ ਆਖਣਾ ਮੀਂਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਜੀਣ ਦਿੰਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਂਟੀ ਇੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ 66 ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਦੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਅੱਜ ਮਿਊਨਸਪੈਲਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਠਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕੰਨੇ ਸਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਹੈ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਹੰਤ ਰਾਮਪੁਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਰੂਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੰਮੂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਮੈਂ ਹਮ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਸਾਥ ਮੇਂ ਮਕਾਨ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਰਫ ਦੇ ਕਿਤਨਾ ਕੂੜਾ ਹੈ हमने कई बार यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता कई बार इनको कहा कि यहाँ से कूड़ा उठाओ क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ ही यहाँ पे आंगनबाड़ी सेंटर है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारी फैलने का खतरा है और मैं ईओ साहब से इसके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर वो कहीं जाग रहे हैं अगर वो सोए नहीं सोए हुए हैं जो दिन रात स्वच्छ भारत का जगह जगह जा कर के वो झाड़े करके अपने वो फ़ोटो खिंचवाते हैं तो एक बार यहाँ का दौरा करें और यहाँ पर आकर के देखें कि यहाँ की ये स्थिति कैसी है यहाँ पर आकर के देखें कि ये लोग किस हाल में जी रहे क्या ये लोग भी भारत के वासी हैं कि नहीं हैं क्योंकि ये गंदगी में रहने पर मजबूर है और ख़ासकर जो हमारे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने आगे जाकर के देश की बागडोर संभालनी है अगर वो ऐसी गंदगी में पलेंगे ऐसी गंदगी में बैठेंगे तो वो आगे जाकर के क्या करेंगे मैं बार बार प्रशासन से यही निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं यहाँ तो उनको यहाँ से ट्रांसफ़र करें पहले यहाँ पे एक लेडी हुआ करती थी वो जम्मू से आती थी तो बिल्कुल हमारा मोहल्ला साफ था अब यहाँ पर इन्होंने अपने चहेते जो अपने मोहल्ले के हैं वोट बैंक की खातिर उनको यहाँ पर लगाया हुआ है वो ना काम करते हैं ना कुछ दिन को देखो तो उन्होंने दारू पी होती है कोई लूला है कोई लंगड़ा है उनको इन्होंने बाड़े में लगाया हुआ है तो नई भर्ती करें अगर ये लोगों से पैसा वसूलने के लिए कहते हैं कि हमें पैसा दिया जाए तो लोग तभी पैसा देंगे कि अगर ये काम करेंगे मैं बार बार यही निवेदन करता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं कि पीछे कितना गंद पड़ा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई पिछले चार पाँच महीने से कोई सफाई कर्मचारी आया होगा धन्यवाद।